जय हिंद एंड हेलो गाइज, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एनटीए विश्व भारती रिजल्ट 2023 के बारे में, जो कि आपका ऑफिशियली जारी कर दिया है। एंड ये आपका रिजल्ट एमटीएस एलडीसी एंड जो आपके लेबोरेटरी अटेंडेंट की पोस्ट थी इसका आया है। ये आपको कैसे चेक करना है, कैसे आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है, ये आपको यहाँ पर बताया जाएगा। साथ ही आपको बताया जाएगा कि कैसे आप आसान वे में अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे, यानी ये जान पाएंगे कि आप यहां पर इसमें सिलेक्ट हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक करने से काफी सारा मोटिवेशन मिलता है। एंड साथ ही साथ हो सके अगर आपको लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर दीजिएगा। एंड एक बार फिर से ये कह दूं कि और इसके अलावा गाइस, जो कैंडिडेट यहां पर ये रिजल्ट चेक करने के बाद में क्वालिफाई हुए हैं, यानी कि शॉर्टलिस्ट हुए हैं, उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। एंड जो कैंडिडेट यहां पर क्वालिफाई नहीं हो पाए वो अपनी मेहनत को जारी रखे, आपको भी आपकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। अब चलिए आपको बताता हूं कि कैसे आपको चेक करना है। तो ये जो वेबसाइट है, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने यहां पर इस तरह से जानकारी आएगी, आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में आना है। और यहां पर गाइज तीनों के लिए अलग अलग पीडीएफ दिए हैं, एमटीएस एलडीसी और लैब अटेंडेंट, जिसका भी आपको चेक करना है वही आप ओपन करेंगे। और उसको ओपन करने के बाद में आपके सामने इस तरह से आपकी जो पीडीएफ फाइल है वो आ जाएगी, जहां पर आप देख सकते हैं विश्व भारती शांति निकेतन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2023 फॉर नॉन टीचिंग पोजीशन पोस्ट मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि एमटीएस शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर स्टेज टू, यानी कि जो स्टेज टू के लिए शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट हुए हैं उनके नाम और यहां पर जो एप्लीकेशन नंबर है और रोल नंबर है वो दिए गए हैं। तो इसमें जो टोटल कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं आपके फेज टू के लिए वो 6037 है। फिर जो आपकी एलडीसी की पोस्ट है या फिर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की पोस्ट है, इस पर जो कैंडिडेट फेज टू के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं वो आपके 1475 है। एंड जो आपके लेबोरेटरी अटेंडेंट की पोस्ट है, इस पर जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं वो है 666। अब इसमें इतने सारे नाम यहाँ पर आपके दिए गए, अगर आप यहाँ पर ये कन्फ्यूज हो रहे हैं कि कैसे हम अपना यहाँ पर नंबर खोजें, तो आपको क्या करना है, आपको ये पीडीएफ ओपन करनी है। उसके बाद में गाइज अगर आपने इसको पीसी में ओपन किया है यानी कि कंप्यूटर में ओपन किया, तो आप अपना एप्लीकेशन नंबर नोट कर लीजिए या फिर उसको कहीं पर लिख करके कॉपी कर लीजिए। फिर आपको कंट्रोल एफ का इस्तेमाल करना है और जो भी आपका नंबर है वो आपको टाइप करना है। अगर आपका नंबर इस लिस्ट में कहीं पर भी होता है तो ऑटोमेटिकली आपको वहीं पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जैसे कि मैं यहां पर होम पेज पर आता हूं, फिर मैंने यहां पर एप्लीकेशन नंबर पेस्ट किया और पेस्ट करते ही जहां पर भी वो नंबर है लिस्ट में वहां पर भेज दिया है। अगर यहां पर आपका इसमें नोट फाउंड आता है, यानी कि आपका नंबर यहां पर टाइप कर रहे हो और उसके बाद में एंटर कर रहे हो और कुछ भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि आपका इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ है फेज टू के लिए। तो इस तरह से आप आसान वे में चेक कर पाएंगे। अगर आपने पीडीएफ लिस्ट मोबाइल में ओपन किया तो आपको राइट साइड में तीन डॉट इस तरह से देखने को मिलेंगे और उसमें आपको फाइंड इन पेज का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप उसके ऊपर क्लिक करके आपका जो एप्लीकेशन नंबर है या फिर जो रोल नंबर है वो आप उसमें टाइप कीजिएगा। अगर पूरा नंबर टाइप करने के बाद में अगर आपका नंबर कहीं पर भी लिस्ट में है तो आपको वहां पर भेज दिया जाएगा उसी पेज पर, अगर नहीं है तो फिर यहां पर कुछ भी नहीं आएगा, नॉट फाउंड आएगा, यानी कि आपका सिलेक्शन इसमें नहीं हुआ है स्टेज टू के लिए। तो इस तरह से आप अपना जो रिजल्ट है वो चेक कर पाएंगे बहुत ही आसान वे में। आई होप आपको जानकारी समझ में आ गई होगी कि कैसे आपको उसको चेक करना है। तो एक बार फिर से आप सभी को बधाई और आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि क्या आपका इसमें सिलेक्शन हुआ है फेज टू के लिए यानी कि स्टेज टू के लिए। अगर आपका हुआ है तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा जरूर, ये मैं आपका वेट करूंगा कि कितने कैंडिडेट यहां पर इस वीडियो को देख रहे हैं जो कि यहां पर स्टेज टू के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं, यानी कि उनका नाम इस लिस्ट के अंदर दिया है। सो एक बार फिर से सभी को बधाई। एंड जो नहीं क्वालिफाई हो पाए हैं उनको मैं यही कहूंगा कि आप अपनी मेहनत जारी रखें, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।